वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सिक्स्थ लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में कि 3D स्पेस में अगर हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो किसी बॉडी की स्फेरिकल की कितनी होगी, टर्निंग पेयर की कितनी होगी, रेवोल्यूट पेयर की कितनी होगी। फिर हम 2D में आए थे प्लेनर मैकेनिज्म में, वहां पर हमने कुट्ज़वेक्स इक्वेशन देखी थी जो कि प्लेनर मैकेनिज्म के लिए थी। फिर उसके बाद हमने रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिडंडेंट लिंक वाला एक कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में देखी। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था ग्रबलर्स क्राइटेरिया। तो ग्रबलर्स क्राइटेरिया क्या था, एक मॉडिफिकेशन था किसका, कुट्ज़वेक्स इक्वेशन का। जो हमने कुट्ज़वेक्स इक्वेशन पढ़ी थी कौन सी, एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3(l-1)-2j-h। तो अगर इसी में मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को 1 मान लूं और h को मान लूं 0, मतलब हमारे सिस्टम में अगर कोई भी हायर पेयर ना हो, तो ये क्या बन जा रहा था, हमारा ग्रबलर्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस सिक्स लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, मैकेनिज्म तो हमारे पास अनगिनत हैं, कई सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन उनका जो बेसिक्स है वो कुछ मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो अगर हम उन कुछ बेसिक्स मैकेनिज्म की स्टडी कर लें, उनके बारे में कुछ नॉलेज ले लें, जान लें, तो हम बाकी फर्दर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं सिंपल मैकेनिज्म क्या है। देखिए, सिंपल मैकेनिज्म है क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म तो हमारे पास बहुत ही अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन हम बेसिक मैकेनिज्म की अगर बात करें, सिंपल मैकेनिज्म की बात करें, तो सिंपल मैकेनिज्म हम किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। ऑल द मैकेनिज्म हैविंग 4 लिंक्स आर सिंपल मैकेनिज्म। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रबलर्स क्राइटेरिया विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कुट्ज़वेक्स इक्वेशन, जब हमने दो कंडीशन ली थी, कौन सी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0, हायर पेयर को हमने 0 माना हुआ था। तो उस वाले केस में जो हमने मिनिमम नंबर ऑफ लिंक निकाला था, कैलकुलेट किया था, वो अगर आपको याद हो तो हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इफ वी वांट टू मेक एनी बेसिक मैकेनिज्म, अगर हमें कोई भी सिंपल मैकेनिज्म या कोई भी मैकेनिज्म बनानी है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होनी चाहिए, 4। ये हमने निकाला हुआ था पिछले वाले लेक्चर में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेसिक है वो बनाने के लिए हमें कितनी लिंक की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी 4 लिंक की। 4 के बाद आप कितने भी लिंक्स जोड़ते चले जाओ, इट डिपेंड्स ऑन आवर यूजफुलनेस और डिपेंड्स ऑन आवर नेसेसिटी कि हमें क्या चाहिए, क्या आउटपुट में चाहिए। लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो हमें सिंपल मैकेनिज्म बनाने के लिए 4 लिंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म हम किसे कहेंगे, सिंपल मैकेनिज्म हम किसे कहेंगे, ऑल द मैकेनिज्म, वो सारी मैकेनिज्म, जो भी मैकेनिज्म आपको दिखाई दे, ऑल द मैकेनिज्म हैविंग 4 लिंक्स, जिसमें क्या हो, 4 लिंक हो। ठीक है, हैविंग 4 लिंक्स, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, सिंपल मैकेनिज्म। ठीक, अब 4 लिंक से अगर ज्यादा हो गया तो सर बोलोगे आप इसको हम कैसे डील करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास 4 लिंक है तो 4 लिंक का मतलब हुआ वो हो गई सिंपल मैकेनिज्म, और अगर 4 से ज्यादा लिंक लेकर हम अपनी मैकेनिज्म को बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड लिंक, एक कंपाउंड मैकेनिज्म। इफ वी आर हैविंग 4 लिंक तो उससे जो मैकेनिज्म बनने वाली है उसको हम बोलेंगे सिंपल मैकेनिज्म, और अगर 4 से ज्यादा लिंक को लेकर हम बनाते हैं अपनी मैकेनिज्म को तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए, देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंपल मैकेनिज्म। अगर इसकी भी हम कैटेगरी को बांटें, अगर हम इस सिंपल मैकेनिज्म की भी कैटेगरी को बांट दें, अगर हम इस सिंपल मैकेनिज्म की भी कैटेगरी को बांट दें तो इसको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। क्या है, 4 बार मैकेनिज्म, आपको नाम से ही पता चल रहा है। 4 बार मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ, इसमें कितनी लिंक होगी, इसमें 4 लिंक होगी, इसमें कितनी लिंक होगी, इसमें भी 4 लिंक होगी, इसमें भी कितनी लिंक होगी, 4 लिंक होगी। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम ये चारों, ये तीनों की तीनों चीजें किसके अंदर पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, सिंपल मैकेनिज्म के अंदर। दीज आर द पार्ट ऑफ सिंपल मैकेनिज्म। और सिंपल मैकेनिज्म बनने के लिए कितनी लिंक की जरूरत पड़ती है, चार लिंक की। देखिए लिखा हुआ है ऑल द मैकेनिज्म हैविंग फोर लिंक्स। वो सारी मैकेनिज्म जिसमें क्या होती है, चार लिंक हो, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे सिंपल मैकेनिज्म। और अगर चार से ज्यादा लिंक है उस मैकेनिज्म में तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक। फर्दर हमने सिंपल मैकेनिज्म को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला फोर बार मैकेनिज्म, दूसरा स्लाइडर क्रैंक, अगला डबल स्लाइडर क्रैंक। ये तीनों की तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन एवरी कॉम्पिटिशन। ठीक। तो आगे देखते हैं हम इनके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं कि अब डिटेल में देखते हैं कि फोर बार मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए फोर बार चेन मैकेनिज्म क्या है। फोर बार आपको पता है कि चार लिंक की हेल्प से बनेगा। ठीक है, फोर बार मैकेनिज्म हमने देखा चार लिंक की हेल्प से बनेगा। इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट्रिक चेन। हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट्रिक चेन। फोर बार चेन मैकेनिज्म का अगला नाम क्या है, क्वाड्रेट्रिक चेन। क्यों क्वाड्रेट्रिक चेन ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक, एक तरीके से ये दिखता है किसकी तरीके से दिखता है, क्वाड्रेट्रिक की तरीके से। ठीक है, अभी आप फिगर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इज इट कंसिस्ट ऑफ फोर रिजिड लिंक। हमने आपको बताया ही है कि लिंक का रिजिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिजिड नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिट कर ही नहीं पाएगा, फेल हो, हमारी मैकेनिज्म ही फेल हो जाएगी, मैकेनिज्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर हमारी लिंक रिजिड नहीं हुई तो। इट कंसिस्ट ऑफ फोर रिजिड लिंक, इसमें चार रिजिड लिंक होगी, ये हमें पता ही है, क्योंकि ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सिंपल मैकेनिज्म के अंदर। और सिंपल मैकेनिज्म में चार लिंक होती होती है विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इनको हम किस तरीके से जोड़ेंगे, इनको हम जोड़ेंगे एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल की तरीके से। ठीक है, अपने समांतर चतुर्भुज देखा हुआ है तो उस तरीके से आपको जो शेप दिखाई देने वाली है क्वाड्रिलेटरल की तरीके से, इसलिए इसका जो नाम है वो क्वाड्रेट्रिक चेन पड़ा हुआ है। यहां पे हम जो चार लिंक को जोड़ने वाले हैं उसको कैसे जोड़ने वाले हैं, हम क्वाड्रिलेटरल की तरीके से, इसलिए इसका नाम क्या बना है, अगला नाम है फोर बार चेन मैकेनिज्म का क्वाड्रेट्रिक चेन। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए इनको हम क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जोड़ेंगे तो, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, बाय फोर पिन ज्वाइंट। ठीक है, बाय फोर पिन ज्वाइंट, मतलब चारों की चारों लिंक के बीच में जो पेयर या ज्वाइंट बनने वाला है फोर बार चेन में, वो कनेक्शन, वो पेयर, वो ज्वाइंट कैसा ही होगा, चारों के चारों ही कैसे होंगे, पिन ज्वाइंट होंगे। ठीक है, पिन ज्वाइंट होंगे। इसका मतलब हम यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये पिन ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ। हमने पढ़ा हुआ है जब भी किसी भी दो लिंक के बीच में पिन ज्वाइंट होता है तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, लोअर पेयर। ठीक है, पिन ज्वाइंट का मतलब हुआ, वो कहना चाह रहा है आपसे इनडायरेक्टली लोअर पेयर। लोअर पेयर का मतलब क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट। लोअर पेयर का मतलब क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट। पॉइंट क्लियर है। फोर बार लिंक जो हम फोर बार मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, इसमें चारों लिंक के बीच में जो कनेक्शन होने वाला है वो कैसे होने वाला है, वो कनेक्शन होगा पिन ज्वाइंट। और पिन ज्वाइंट कैसा एग्जांपल है, लोअर पेयर का, क्योंकि लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट। आगे देखते हैं, इट हैज फोर लिंक एंड फोर टर्निंग पेयर। देखिए लिख दिया उसने फोर टर्निंग पेयर, मतलब चारों की चारों लिंक के बीच कैसा होने वाला है, पिन ज्वाइंट, मतलब वो एक दूसरे के अबाउट बस टर्न ही कर सकते हैं और कोई मोशन नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि किसी लिंक को उठा के आप एक्स एक्सिस में चला दो, वाई एक्सिस में चला दो या जेड एक्सिस में चला दो, वो बस लिंक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसके अलावा और कोई मोशन पॉसिबल नहीं है। इट इज सिंपल एंड वर्सटाइल, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए जब भी हम कोई मैकेनिज्म बनाते हैं
तो मैकेनिज्म बनाने के साथ साथ हमें ये भी चाहिए होता है कि वो बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में हो, बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में हो। क्यों? अगर वो सिंपल होगी तो उसको हर कोई एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब उसको चलाना, समझना, लोगों को समझाना बहुत आसान होगा। और अगर कोई मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी तो उसका ऑपरेशन, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग होगा वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही कठिन होगा आप कह सकते हो, उसको समझना बहुत कठिन होगा, वर्किंग बहुत कठिन होगी। तो हम जब कोई भी चीज बनाते हैं तो ट्राई करते हैं कि वो जो भी चीज हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में हो, बहुत ही सिंपल हो। तो जो फोर बार चेन होती है इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। क्यों? हमने क्या किया यहां पे, फोर बार मतलब हमने चार लिंक को लिया और उन चार लिंक के बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, उनको बस पिन ज्वाइंट से कनेक्ट कर दिया, बन गई हमारी फोर बार मैकेनिज्म। सो इट इज वेरी सिंपल लिखा हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एंड वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब जिससे आप और सारी चीजें बना पाओ। जैसे हम बोलते हैं कोई एक्टर बहुत वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब वो हर तरीके के रोल को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। इन द सेम मैनर जो फोर बार चेन होती है इसमें अगर हम बस थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करते जाएं तो इस फोर बार चेन से ही हम कई सारे मैकेनिज्म को बना सकते हैं। इसी फोर बार चेन में अगर हम एक लिंक को स्लाइडर से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बन जाती है। इसी में अगर हम स्लॉटेड बार लगा दें तो हमारी स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म बन जाती है। तो दिस फोर बार मैकेनिज्म इज आवर बेसिक मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है और ये वर्सेटाइल है क्योंकि इससे ही हम, इसमें अगर हम थोड़े थोड़े चेंजेस कर दें, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़े थोड़े बदलाव कर दें तो इससे हम कई सारी मैकेनिज्म को बना सकते हैं। दैट्स वाई यहां लिखा हुआ है इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है, आसान होती है और बहुत ही वर्सेटाइल होती है। मेरे ख्याल से आपको वर्सेटाइल का मतलब समझ में आ गया, ठीक, जिसमें हम थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन या थोड़े थोड़े बदलाव करके, चेंजेस करके और कई नई सारी तरीके की मैकेनिज्म को बना सकें। इट इज इम्पॉसिबल, देखिए अगली लाइन पढ़िए, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ फोर बार लिंकेज, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव फोर बार लिंकेज इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर थ्री लिंक, ठीक है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए जैसे आपने रेक्टेंगुलर का, एक ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल का एक आपने फंडा पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ा होगा द सम ऑफ टू लिंक्स विल बी ग्रेटर देन द अदर थर्ड लिंक। मतलब अगर यहां पे मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ट्रायंगल में आपने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा कि किसी भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़, आप ऐसा बोल सकते हो, लेट्स से हम ए और बी को ले रहे हैं, इट विल बी ग्रेटर देन सी, या अगर आप ए और बी को नहीं लेना चाहते आप ए और सी को ले लो, आप बोलोगे ए प्लस सी वो बड़ा होगा जो लिंक बच गई उसकी लेंथ से, बी से, या आप बी प्लस सी लेना चाहते हो, बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन ए। रूल ये बोलता है जैसे ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा ही होगा, दैट इज अ रूल, इसको होना ही पड़ेगा अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता, ये रूल है। इन द सेम मैनर कह रहा है कि अगर हम यहां पे कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएं, अगर हम यहां पे कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में किन्हीं भी तीन भुजाओं का सम बाकी चौथी से ज्यादा होना ही पड़ेगा अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, वो रूल को ब्रेक कर जाएगा। तो यहां पे हम बोलेंगे दैट अगर हम तीन लिंक को ले ले, कोई भी तीन लिंक लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन डी, ये रूल है, ये क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए ये रूल है, ये होना ही पड़ेगा। अब लेकिन यहां पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नोट पॉइंट देखिए, यहां पे नोट पॉइंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल कह रहा है, ये असंभव है टू हैव अ फोर बार लिंकेज, फोर बार लिंकेज को बनाना कब असंभव होगा, इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक, कह रहा है कोई भी एक बड़ी भुजा वो क्या हो जाए, सम ऑफ अदर थ्री लिंक, उनके जोड़ से ज्यादा हो जाए, मतलब ये कह रहा है कि यहां के हिसाब से डी शुड बी ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी विच इज इम्पॉसिबल।
अगर ऐसा हो गया तो हम क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं पाएंगे, और अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल लिंकेज भी नहीं बना पाएंगे, मतलब फोर बार मैकेनिज्म भी नहीं बना पाएंगे। तो इट इज इम्पॉसिबल, मतलब कह रहा है किन्हीं भी तीन भुजाओं का सम चौथे से ज्यादा होना ही पड़ेगा, जो चौथी सबसे बड़ी लिंक होगी उससे ज्यादा होना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे देखिए, अब इसके हम पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स क्या क्या हैं, पार्ट्स ऑफ फोर बार चेन मैकेनिज्म। हमारी फोर बार चेन मैकेनिज्म में क्या क्या पार्ट्स हैं, पहला तो एक फ्रेम होगा, फिर एक क्रैंक होगा, एक कपलर होगा और एक लीवर होगा या रॉकर होगा। ठीक है, देखते हैं ये क्या क्या है। ये देखिए, इस फिगर में देखिए लिंक वन इज फ्रेम। लिंक वन क्या है, ये फ्रेम। फ्रेम का क्या मतलब हुआ, जैसे आप कहीं दीवार पे कोई फ्रेम लगाते हो विच इज स्टेशनरी। यहां फ्रेम बोलने का क्या मतलब है, फ्रेम बोलने का मतलब है विच इज स्टेशनरी, वो लिंक जिसको हमने रोक दिया है, फिक्स कर दिया है, दैट इज आवर फ्रेम। ओके, सो दिस लिंक नंबर वन इज आवर फ्रेम। ओके, एंड व्हाट इज लिंक नंबर फोर, लिंक नंबर फोर इज अ क्रैंक। अभी मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्रैंक क्या है, कपलर क्या है, रॉकर क्या है। ठीक है, देखिए क्रैंक क्या होगा, अब ध्यान से बारी बारी से समझते जाइएगा। मैंने बोला फ्रेम, फ्रेम क्या होगा, लिंक विच इज फिक्स्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दीवार पे आप कोई भी फ्रेम लगाते हो तो वो रुका होता है ना, इन द सेम मैनर फ्रेम का मतलब है चार लिंक में से हमने जिस लिंक को फिक्स कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर फ्रेम। जिस लिंक को हम फिक्स कर देंगे वही लिंक हमारे लिए क्या हो जाएगी, फ्रेम। क्रैंक, क्रैंक क्या होगा, क्रैंक वो लिंक होगी दैट मेक्स कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, देखिए जब कोई चीज कंप्लीट रेवोल्यूट करती है, वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो कंप्लीटली 360 डिग्री का एंगल कवर कर रही है, मतलब एक रोटेशन कर रही है और एक रोटेशन में वो कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिग्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन हियर, द मीनिंग ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन हियर इज दैट लिंक विल मेक थीटा इज इक्वल टू, That link will make theta is equal to 360 degree. वो link complete 360 degree rotate कर जाएगी, तो उसी link का नाम क्या होगा, crank. उन चारों link में जो link मुझे complete 360 degree घूमती हुई दिखाई देगी उसी को मैं नाम क्या दूंगा, crank. तो मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं, मैंने बोला मेरे mechanism में ये वाली link crank है, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए, क्रैंक का मतलब ये हुआ वो लिंक जो 360 डिग्री घूम जाए, मतलब ये वो वाली लिंक है जो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर सकती है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। कपलर, लिंक अपोजिट टू द फिक्स लिंक। आप जो भी लिंक को फिक्स करोगे उस लिंक के जस्ट अपोजिट साइड में आपको जो भी लिंक दिखाई देगी उसका नाम क्या होगा, कपलर। कपल जैसे आप बोलते हो कपल, जोड़ना, क्या करेगा ये, हमारी इनपुट और आउटपुट वाली लिंक को जोड़ेगा, कपलर। इसलिए इसका नाम क्या है, कपलर। अभी हम देखते हैं क्या है, आपको फिगर में समझ में आ जाएगा। लिंक अपोजिट टू द फिक्स लिंक, ये देखिए, देखिए दिस इज आवर फ्रेम, दिस इज आवर फ्रेम। ठीक है, कह रहा है कि लिंक नंबर फोर, दिस लिंक नंबर फोर इज अ क्रैंक, तो ये वाली लिंक जो लिंक नंबर फोर है दैट इज आवर क्रैंक। और अगर ये हमारी क्रैंक है तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया हुआ है, ब्लैक डॉटेड लाइन से ये बना हुआ है, ये आपको ये दिखा रहा है कि जो क्रैंक है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये पूरा का पूरा अगर आप इसको रोटेट कराओगे
तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री यहां पे रेवोल्यूट कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। और हमने कपलर किसको बोला हुआ है, हमने कपलर बोला फिक्स लिंक के जस्ट अपोजिट वाली साइड में, आप उल्टा देख लो, फिक्स लिंक के जस्ट अपोजिट साइड में देखो, तो अगर ये फिक्स लिंक है जो कि दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज फिक्स लिंक, तो इस फिक्स लिंक के अपोजिट साइड में कौन सी लिंक दिखाई दे रही है, वो हमें दिखाई दे रही है लिंक नंबर थ्री, ठीक है। और ये लिंक नंबर थ्री किसके अपोजिट में है, फिक्स लिंक के अपोजिट में, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल आवर कपलर। तो ये वाली लिंक क्या होगी, ये वाली लिंक हमारी है कपलर, दिस लिंक इज आवर कपलर, ओके, दिस लिंक इज आवर कपलर। अब ये वाली लिंक बच गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रॉकर, ठीक है, रॉकर या लीवर। लिंक नंबर टू इज व्हाट, लिंक नंबर टू इज आवर लीवर और रॉकर। अब ये लीवर या रॉकर का क्या मतलब है, ये लीवर या रॉकर क्या क्या मतलब है, देखिए देखिए, जैसे आपको मैंने बताया क्रैंक, तो क्रैंक क्या करेगा, क्रैंक पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, लेकिन लीवर या क्रैंक क्या होगा, वो कभी भी 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाएगा। दैट लिंक द लीवर और द रॉकर इज दैट लिंक विच विल ऑक्सिलेट, विच विल फ्लक्चुएट, जो अपनी पोजीशन के अबाउट, लेट से अगर यहां पे मैंने पी को बोला हुआ है दैट पॉइंट बी एंड लिंक नंबर टू इज आवर रॉकर, तो बस ये इस पॉइंट बी के अबाउट इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, बस ये इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, मैक्सिमम ये यहां पर जा सकता है, यहां पर जा सकता है, मतलब इसका अगर जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सॉरी इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, देखिए इस तरीके से जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। और क्रैंक का मोशन कैसे होगा, ये क्रैंक अगर इसको आप लेट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे रहे हो विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये क्या कर रहा होगा, ये कंप्लीट रोटेशन लगा रहा होगा इस तरीके से, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट क्रैंक पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा होगा। और इसका मोशन कैसा होगा, कपलर, कपलर एक बार इस तरीके से मोशन करेगा, इस बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि क्रैंक अपनी पोजीशन पे रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से कपलर या तो एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और इसका मोशन कैसा होगा लिंक नंबर टू का, ये अपनी पोजीशन पे बस ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो अगर वो पूरा का पूरा 360 डिग्री नहीं रोटेट कर पा रहा है तो उसका नाम क्या होगा, दैट लिंक जिसके लिए थीटा क्या हो जाए, 360 डिग्री से कम हो जाए। देखिए यहां लिखा है पार्शियल रेवोल्यूशन, देखिए यहां लिखा है कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब हुआ 360 डिग्री और पार्शियल रेवोल्यूशन का मतलब हुआ लेस देन 360 डिग्री। तो अगर आप इसका थीटा देखोगे तो इसका थीटा, दिस इज द थीटा जो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना राइट साइड में जा रहा है और कितना लेफ्ट साइड में जा रहा है, उस लाइन के बीच का एंगल, दैट थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। ये थीटा हमारा क्या होगा, 360 डिग्री से कम होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इस लिंक का नाम क्या होगा, रॉकर या लीवर, इसका हम नाम क्या बोलेंगे, रॉकर या लीवर। तो मेरे ख्याल से आपको ये चार पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इन चारों पॉइंट का मतलब क्या है, फ्रेम समझ में आ गया विच इज फिक्स्ड, वो लिंक जिसको हमने फिक्स कर दिया, किसमें, फोर बार चेन मैकेनिज्म में बात हो रही है, लिंक नंबर फोर को देखते हैं, क्रैंक जिसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, मतलब जो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा, जो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा, ठीक है। लीवर या रॉकर क्या होगा, जिसके लिए थीटा विल बी फॉर विच थीटा विल बी लेस देन 360 डिग्री, और
कपलर किसको हम बोलेंगे, द लिंक विच इज अपोजिट टू फिक्स्ड, द लिंक विच इज अपोजिट टू फिक्स्ड लिंक, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर कपलर। तो मेरे ख्याल से फोर बार चेन मैकेनिज्म में जो बेसिक चार चीजें हैं, जो चार लिंक हैं हमारी, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे, पता देखते हैं क्या है। यह चीज मैंने आपको समझा दी। अब देखिए क्वेश्चन है, देखिए यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जेई या किसी अदर जेई के एग्जाम्स के हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैं सारे के सारे फालतू क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। देखिए जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो या आपको किसी चैप्टर का रिविजन करना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उस चैप्टर में, मान लीजिए 200 सवाल है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हमेशा जब भी रिवीजन करने बैठो तो आप उन 200 के 250 क्वेश्चंस को लगाओ। आप क्या करो, अगर आपने देखा कि एक टाइप के 30 क्वेश्चन है तो आपने उसमें क्या किया, आपने 5 से 10 क्वेश्चन लगा लिए और बाकी सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, देन देयर इज नो नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और आप जब भी प्रैक्टिस करो तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो एक साथ कई सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ होल्ड करता हो। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन लगाया और उस क्वेश्चन के साथ चार पांच कॉन्सेप्ट जुड़े होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उस एक क्वेश्चन की हेल्प से आपके चार से पांच क्वेश्चन रिवाइज हो गए, चार से पांच कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। तो इस तरीके से आप बहुत फास्ट तरीके से रिविजन करोगे और बहुत ही स्मार्ट तरीके से। ठीक है, देखिए अब फोर बार चेन कह रहा है, फोर बार चेन अभी अभी हमने पढ़ा किस तरीके से होता है, दिस इज आवर क्रैंक, दिस इज आवर कपलर एंड दिस इज आवर लीवर। तो क्रैंक क्या करेगा, 360 डिग्री पूरा रोटेट कर जाएगा। लेट्स से दिस इज लिंक नंबर 1, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। नेमिंग आप किसी की कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी का नाम लिंक नंबर 2 होगा, इसको इसी का नाम लिंक नंबर 3 होगा, नहीं, आप नाम अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है आप इसका नाम ऐसे रख सकते हो, लेट्स से दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज क्रैंक, आपने बोला नहीं ये लिंक नंबर 2 होगा, ये लिंक नंबर 3 होगा, ये लिंक नंबर 4 होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उस लिंक की खासियत पता हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यह कौन सी लिंक है तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए, यार ये वाली लिंक तो फिक्स के अपोजिट साइड में है, मतलब ये कपलर है। अगर मैं पूछूं लिंक नंबर 2 का नाम क्या है तो आपने देखा यार ये तो 360 डिग्री पूरा रेवोल्यूट कर जा रहा है, मतलब ये तो क्रैंक हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्रैंक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कपलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीवर। बात समझ में आ रही है, आप नाम कुछ भी रख दो लेकिन पर्सन वही रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है, अगर ये लीवर है तो ये लीवर ही रहेगा, नाम बदलने से उसका नेमिंग चेंज करने से उसकी खुद की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। अब फोर बार चेन है, जो हम फोर बार चेन मैकेनिज्म देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, ऑल टर्निंग पेयर्स, वन टर्निंग पेयर, अदर स्लाइडिंग पेयर, वन स्लाइडिंग पेयर, अदर ऑल स्लाइडिंग पेयर। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में, हमने पढ़ा था कि फोर बार चेन में क्या होता है, फोर बार चेन में चार लिंक होती है और चारों की चारों कैसी होती है, टर्निंग पेयर। ठीक है, और आप यहां से देख भी सकते हो, देखिए पहला टर्निंग पेयर लिंक नंबर 1 और 4 के बीच में, दूसरा टर्निंग पेयर लिंक नंबर 3 और 4 के बीच में, अगला टर्निंग पेयर लिंक नंबर 2 और 3 के बीच में, और लिंक नंबर 1 और 2 के बीच में चौथा टर्निंग पेयर। तो सारे के सारे टर्निंग पेयर होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल टर्निंग पेयर। आगे चलते हैं, देखिए ग्रेसॉफ लॉ, ग्रेसॉफ लॉ और आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जैसे स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही आता है।
मतलब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आप बाकी सारी चीजें कुछ छोड़ भी सकते हो, लेकिन इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्रासॉफ मैकेनिज्म क्या है, ग्रासॉफ लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या गजब का शब्द है, कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन। कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन। एक तो देखिए हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा, रिलेटिव मोशन क्या होता है कि दो लिंक के बीच में जो उनकी वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है वही होता है उनका रिलेटिव मोशन। अब अगर हमें कोई मैकेनिज्म बनानी है तो हमें रिलेटिव मोशन तो चाहिए ही चाहिए, उन लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए ही चाहिए, तभी हमें मैकेनिज्म का फायदा मिलेगा। तो ग्रासॉफ ने मैकेनिज्म के लिए एक रूल दिया कि आपकी मैकेनिज्म किस टाइप की होगी, किस तरीके की मैकेनिज्म होगी, इन्होंने उसके ऊपर एक लॉ दिया तो जिसका नाम पड़ा ग्रासॉफ लॉ। अब इन्होंने ये बोला कि अगर आपको उस मैकेनिज्म से, जो मैकेनिज्म आपने बनाई है उस मैकेनिज्म से कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि आपकी लिंक्स के बीच में लगातार रिलेटिव मोशन होता रहे, कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार, कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मैकेनिज्म में लगातार रिलेटिव मोशन आपको मिलता रहे, उसके लिए जरूरी क्या है, तो उसके लिए इन्होंने एक रूल बताया कि उस कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन को पाने का तरीका क्या है। फॉर द कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इन अ मैकेनिज्म द समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक, देखिए सब पे ध्यान दीजिए, द समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लिंक। द समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक, इसका क्या मतलब है, अगर हम फोर बार मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं क्योंकि वही हमारी बेसिक मैकेनिज्म है, तो उस फोर बार मैकेनिज्म में जो हमारे पास चार लिंक होगी, यार फोर बार मैकेनिज्म बोलने का मतलब है चार लिंक होगी, तो उस चार लिंक में आपको जो सबसे छोटी लिंक दिखाई दे, शॉर्टेस्ट का मतलब है द लिंक विच इज द स्मॉलेस्ट इन ऑल दैट फोर लिंक, ठीक है, शॉर्टेस्ट का क्या मतलब हुआ, इस शॉर्टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा एंड द लॉन्गेस्ट, ओके लॉन्गेस्ट, कह रहा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, आपको उन चार लिंक में से इन दोनों लिंक को उठाना है, आप देखोगे कि कौन सी लिंक सबसे छोटी है और कौन सी लिंक सबसे बड़ी है, और उन दोनों का क्या करना है, उन दोनों का आपको करना है समीशन, उन दोनों का आपको क्या करना है, उन दोनों का आपको करना है समीशन, तो उन दोनों का आपने कर दिया समीशन, समीशन मतलब जोड़ दिया, आपने क्या किया उन चार लिंक में से उन दो लिंक को उठाया जिसमें से एक सबसे छोटी है और दूसरी लिंक उन चारों लिंक में सबसे बड़ी है, उन दोनों उठा के जोड़ दिया, और क्या होना चाहिए जोड़ने के बाद, शुड बी लेस देन द समेशन ऑफ अदर टू, उन चार लिंक में से आपने सबसे छोटी वाली लिंक को उठाया और फिर सबसे बड़ी वाली लिंक को उठाया, उन दोनों को जोड़ा और उन दोनों का जोड़ बाकी की जो दो लिंक बच गई उससे कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तभी आपको क्या मिलेगा, तभी हमें मिलेगा कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन, तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें मिलेगा कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन, अदरवाइज हमें कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव मोशन मिलेगा तो, लेकिन कुछ साइकिल्स के बाद वो बंद हो जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि लगातार वो मोशन होता रहे तो लगातार वो मोशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि सबसे बड़ी वाली लिंक और सबसे छोटी वाली लिंक उन दोनों का समेशन, समेशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है, क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, लेस देन किससे, जो बाकी की दोनों लिंक बच गई। देखते हैं
देखिए क्या लिखा हुआ है, s प्लस एल लेस देन p प्लस क्यू। लेट से हमने यहां पे कोई अपनी एक मैकेनिज्म फोर बार मैकेनिज्म बना ली, ठीक है, दिस इज लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू, लिंक नंबर थ्री एंड लिंक नंबर फोर, ठीक है। यहां पे हमारे पास चार लिंक है, ठीक है, और लेट से हमने बोल दिया, ये हम एज्यूम कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर समझने के लिए क्या है ग्रासॉफ लॉ या ग्रासॉफ ने क्या बताया है। तो लेट से दिस लिंक नंबर वन ये सबसे छोटी है, हमने चारों में देखा और चारों की लेंथ, चारों की लंबाई हमारे पास है, हमने देखा यार लिंक नंबर वन तो सबसे छोटी है, तो इसके बगल हमने लिख दिया एस। एस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट, जैसे शॉर्टेस्ट है तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, तो ये वाला एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एस रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेस्ट, ठीक है, और ये वाला एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एल रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्गेस्ट। तो इन दोनों का योग दिस इज शॉर्टेस्ट और मुझे दिखाई दे रहा है, लेट से मान लिया कि लिंक नंबर फोर इज लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ी है, तो इन दोनों में आप किसी को भी P बोल दो तो दूसरी अपने आप की हो जाएगी। लेट से इसको हमने लिंक नंबर टू को P बोल दिया और लिंक नंबर थ्री को हमने Q बोल दिया, ठीक है। तो ग्रासॉफ लॉ ने ये बोला कि इन दोनों में, इन चारों में जो सबसे बड़ी लिंक है लिंक नंबर फोर, ओके, लिंक नंबर फोर लिंक नंबर फोर लिंक नंबर फोर कौन सी है, L, ठीक है, तो L प्लस सबसे छोटी कौन सी है, S, ये वाली लिंक नंबर वन, इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, बाकी की जो दोनों लिंक बच गई उन दोनों के समेशन से कम होना चाहिए या बराबर भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज द केस कि जब हम इस मैकेनिज्म में कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन पा पाएंगे या लगातार हमें रिलेटिव मोशन मिलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ग्रासॉफ लॉ आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। ग्रासॉफ ने सिंपल शब्दों में यह बताया कि अगर हमारे पास कोई फोर बार चेन मैकेनिज्म है, ठीक, तो उसमें हम क्या करें, अगर आप सबसे छोटी लिंक को उठा लें और सबसे बड़ी वाली लिंक को उठा लें, उन दोनों का योग कर दें, तो इन दोनों का सम, सबसे छोटी वाली का सम और सबसे बड़े वाले, इन दोनों का जोड़ बाकी की जो दोनों लिंक बच गई उनसे कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तभी हमें उनसे क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन मिलेगा। तो s प्लस l शुड बी लेस देन और इक्वल, अगर बराबर भी है तो भी चल जाएगा, बट इट शुड बी लेस देन। अगर ये कंडीशन है, कंडीशन यही है, लेस देन और इक्वल इससे बाकी दोनों से, तो हमें कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से इसमें सारी चीजें आपको क्लियर है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए क्या है ये फिगर, आपको क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से देखिए, दिस इज फिगर नंबर ए, दिस इज फिगर नंबर बी, ये फिगर नंबर सी है और ये फिगर नंबर। अब देखिए इस फिगर नंबर ए में आपको यहां से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि डी वाली जो लिंक है वो आपको सबसे छोटी दिखाई दे रही है। जो लिंक डी है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि लिंक नंबर डी सबसे छोटी है, ओके, एंड लिंक नंबर ए, लिंक नंबर ए इट इज द लॉन्गेस्ट, ये माना हुआ है, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड इट इज द लॉन्गेस्ट। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, अगर ग्रासॉफ लॉ फॉलो करना है तो ग्रासॉफ लॉ फॉलो करने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर ग्रासॉफ लॉ को फॉलो होना है तो क्या होना पड़ेगा, ए प्लस डी जो सबसे शॉर्टेस्ट है, आप यही तो बोलोगे, एस प्लस एल शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्या होना चाहिए, बाकी की दोनों लिंक के सम से कम होना चाहिए, पी प्लस क्यू जो अभी हमने पढ़ा। तो यहां पे सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, डी है, प्लस सबसे लॉन्गेस्ट ए है, लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी प्लस सी, बाकी दोनों के सम से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। सेम चीज यहां लिखा हुआ है, देखिए जब ए मोशन करते करते, अब देखिए ए क्या कर रहा है, ए तो घूम रहा है चारों तरफ, मतलब जब ये इसको हम इनपुट में कोई मोशन देंगे एंगुलर वेलोसिटी,
तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ए एक बार ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही मोशन होगा। तो कह रहा है कि जब ए घूमते घूमते, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जाते जाते यहां पे आ जाएगा, जब ये वाली लिंक घूमते घूमते यहां पे आ जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको शेप दिखाई देगी। ठीक है, अभी क्या था, ये वाला ए इस तरीके से है, तो जब ये घूमते 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 यहां पे आ जाएगी तो ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इसी किसी लाइन पे होगा, जब ये इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, इसका मोशन किधर भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट से ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो एक बार राइट में जाएगा फिर लेफ्ट में जाएगा। तो अगर ये राइट में लेफ्ट में इस तरीके से मूव कर रहा है तो एक कंडीशन आएगी, जब ये लेफ्ट में इधर आ रहा होगा तो ये पॉइंट, जब ये लिंक घूमते घूमते कुछ इस तरीके से आएगी तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जब ये वाला पॉइंट भी यहां किसी सरफेस पे आ चुका होगा, तो ये वो वाली कंडीशन है। दिखाई दे रहा है आपको, यहां वाला पॉइंट भी अभी लेट से कुछ इस तरीके की कंडीशन थी। इसको हमने डी बोला था, इसको हमने ए बोला था, इसको हमने बी बोला था और इसको हमने सी बोला था। तो जब ये वाली लिंक कुछ इस तरीके से घूमते हुए जाएगी तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, तो एक कंडीशन आएगी जब ये पॉइंट बी घूमते 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 यहां कहीं पे आ जाएगा, तो ये वाली वो कंडीशन है, बस उसको दिखाया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर लिंक ए, जो ये वाली लिंक ए है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रही थी और अब अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो हमें कैसे दिखाई देगा, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो कैसे दिखाई देगा हमें, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रही थी तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो देखिए अभी लिंक सी यहां पर है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये लिंक सी घूमते 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 कुछ इस प्लेन में आ जाएगी, मतलब पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट डी और पॉइंट सी तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ये वाला वो फिगर है। ठीक है, मतलब बस उसकी मैकेनिज्म को आपको दिखाया हुआ है कि अगर पॉइंट ए इधर आ गया, पॉइंट बी इधर चला गया तो वो किस तरीके से घूम रहा होगा, तो बस ये उस मैकेनिज्म को आपको फील कराने के लिए उसने दिखाया हुआ है। पॉइंट क्लियर है, हम चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब ये स्लाइड इतनी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब देखिए जो ग्रैसोफ ने हमको लॉ बताया, ठीक है, उस लॉ के बेसिस पे हम कुछ अपनी मैकेनिज्म में कुछ की पॉइंट्स निकालेंगे, कुछ हम की पॉइंट्स निकालेंगे कि वहां से क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने हमें अपने मैकेनिज्म में पता होनी चाहिए। देखिए हमने ग्रैसोफ का ये लॉ पढ़ा, ग्रैसोफ का लॉ क्या पढ़ा, ग्रैसोफ का लॉ हमने ये पढ़ा दैट S प्लस L शॉर्टेस्ट लिंक होगी प्लस लॉन्गेस्ट लिंक होगी, उन दोनों का सम या तो कम हो या बराबर भी हो तब भी चलेगा, किससे, बाकी की जो दोनों लिंक हमारी बच गई। ठीक है, तो यहां से हम दो कंडीशन ले सकते हैं। देखिए एक तो यहां पे मैं इसको वापस से लिख रहा हूं, S प्लस L इज लेस देन और इक्वल टू P प्लस क्यू। तो देखिए यहां पे एक तो इक्वल लगा हुआ है, दूसरा एक इनइक्वालिटी की साइन है, मतलब लेस देन है, एक तो इनइक्वालिटी लेस देन की साइन है और दूसरा इक्वल लगा हुआ है, तो यहां से दो केसेस आ जाएगी। वो दो केसेस कौन कौन सी होगी, एक बार हम इक्वल की साइन लेंगे और एक बार हम इनइक्वालिटी की साइन लेंगे। तो यहां से अगर हम इक्वल और इनइक्वालिटी की साइन लेते हैं तो हमें कैसे दिखाई देगा, देखिए तो लेट से यहां पे हम इक्वल लेके चल रहे हैं, तो हम यहां पे बोलेंगे S प्लस L लेस, सॉरी यहां पे मैं इक्वल लेके चल रहा हूं तो यहां पे इक्वल की साइन होगी, S प्लस L इज इक्वल टू P प्लस क्यू।
और यहां पे अगर मैं इनइक्वालिटी की साइन लेके चल रहा हूं तो इनइक्वालिटी की साइन हमें क्या देगा, s प्लस एल लेस देन p प्लस ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। तो पहली कंडीशन में क्या है, s प्लस एल p प्लस q के बराबर होगा, और दूसरी कंडीशन में क्या है, s प्लस एल हमारा लेस देन होगा p प्लस q, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को मिलाकर ही तो ग्रेस ऑफ लॉ आया था, यही तो आया था ग्रेस ऑफ लॉ, इसको हमने दो कंडीशन में ब्रेक कर दिया। अब यहां से कुछ चीजें हमें मिल रही हैं, वो चीजें क्या हैं वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो हमें यहां पर पढ़नी है। देखिए अगर s प्लस एल, इफ द s प्लस एल इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ठीक है, अगर s प्लस एल इज इक्वल टू p प्लस क्यू, तो यहां पे नॉट हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक फॉलोज द ग्रेस ऑफ लॉ, s प्लस एल इज इक्वल टू p प्लस क्यू, इसकी भी कई सारी कंडीशंस बनेगी, और अगर s प्लस एल इज ग्रेटर देन p प्लस क्यू तो इसकी भी कई सारी कंडीशंस बनेगी। क्लियर? अब देखिए इस ग्रेस ऑफ लॉ में हम क्या करने वाले हैं, कुछ नोट पॉइंट करने वाले हैं, ये हमें क्वेश्चंस करने हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें हम करने वाले हैं कुछ नोट पॉइंट, आप पहले उन नोट पॉइंट को यहां पे लिख लीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं पूरा। देखिए ये चीज आपको नोट करनी है यहां पे, पहला मैं इनइक्वालिटी की साइन लेके चल रहा हूं, ठीक है, लेट s प्लस एल इज लेस देन p प्लस क्यू, हमने ये माना कि s प्लस एल हमारा क्या है, लेस देन वाली केस लेके मैं चल रहा हूं, ठीक है, दो साइन हमें दो साइन लेनी है, या तो लेस देन या तो इक्वल, तो पहले हमने लेस देन वाली कंडीशन ली। अब अगर s प्लस एल इज लेस देन वन लेस देन p प्लस क्यू, तो इसमें क्या ग्रेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, बिल्कुल फॉलो होगा, ठीक है, तो यहां पे ग्रेस ऑफ ग्रेस ऑफ लॉ सेटिस्फाइड, यहां पे क्या हो रहा है, ग्रेस ऑफ लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यहां पे कुछ कंडीशंस मैं लिख रहा हूं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है, इफ If s is fixed, ध्यान से सुनेगा एक एक पॉइंट को, if s is fixed मतलब उन चारों लिंक में जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको अगर हमने फिक्स कर दिया तो हमें कैसी मैकेनिज्म मिलेगी, क्या मैकेनिज्म मिलेगी, तो हमें मैकेनिज्म मिलेगी डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसको हम बोलेंगे क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है, अगर s को हमने फिक्स कर दिया, इफ वी हैव द लिंक दैट वी हैव फिक्स्ड, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। वो डबल क्रैंक मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ, डबल क्रैंक मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि हमारा इनपुट भी पूरा घूम रहा होगा और हमारा आउटपुट भी पूरा घूम रहा होगा, ठीक है, तो अगर हमने s को फिक्स कर दिया तो हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, यहां पे हम मिले लिखेंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, अगर हमने शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दिया तो हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, हमें मिलेगी डबल क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एस इज, एस का मतलब जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है उसको अगर हमने, इफ एस इज एडजेसेंट
इफ एस इज, जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है, इफ एस इज एडजेसेंट टू फिक्स, मतलब हमारी जो शॉर्टेस्ट लिंक है इस बार क्या है, उसको हमने फिक्स वाले के बगल लगा रखा है, ठीक है। इफ एस जो हमारी शॉर्टेस्ट लिंक है दैट इज एडजेसेंट टू फिक्स लिंक, टू फिक्स्ड लिंक, तो इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, तो इस वाले केस में हमें मिलेगा, इस वाले केस में हमें मिलेगा क्या, इसको हम बोलते हैं क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म, ओके, इसको हम बोलते हैं क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म का, कि हमारी एक लिंक होगी जो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही होगी पूरा 360 डिग्री, क्योंकि क्रैंक का मतलब क्या होता है, क्रैंक का मतलब होता है व्हाट, क्रैंक का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रॉकर का मतलब क्या होता है, थीटा इज लेस देन 360, मतलब एक लिंक होगी जो पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रही होगी और दूसरी वाली लिंक होगी जो लेस देन 360 डिग्री, मतलब वो ऑक्सिलेट कर रही होगी, फ्लक्चुएट कर रही होगी, उसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। पॉइंट क्लियर है, ये होगा हमारा थीटा विच इज लेस देन 360 डिग्री। तो ये दो पॉइंट क्लियर है, इफ एस इज फिक्स, अगर हमारे पास जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको हमने फिक्स कर दिया तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक, और हमारे पास जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको हमने एडजेसेंट किया हुआ है, किसके एडजेसेंट किया हुआ है, जो फिक्स लिंक है उसके बगल लगा दिया सबसे छोटी वाली लिंक को, तो हमें मिलेगा क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। एंड द थर्ड केस इज अ फर्स्ट केस, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू एंड द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, प्लीज नोट डाउन हियर द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, एफ एस इज अ कपलर, इफ एस इज अ कपलर, कपलर का मतलब आपको आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कपलर मैंने किसको बोला हुआ था, वो लिंक जो फिक्स वाले के अपोजिट में होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कपलर। तो इस बार जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको आपने कहां फिट कर दिया, कहां लगा दिया, फिक्स वाली लिंक के अपोजिट में, अगर सबसे छोटी वाली लिंक को लगाया है तो इस वाले केस में हमको मिलता है क्या, इस वाले केस में हमको मिलता है डबल रॉकर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डबल रॉकर। डबल रॉकर को ऐसा भी बोला जाता है रॉकर रॉकर, डबल रॉकर मतलब रॉकर दो बार आएगा, तो चाहे आप डबल रॉकर बोलियो, चाहे आप इसको डबल रॉकर बोलो या रॉकर रॉकर, ठीक है, चाहे आप इसको डबल रॉकर बोलो या रॉकर रॉकर, वैसे ही डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, चाहे इसको आप डबल क्रैंक बोलो या इसका एक और नाम होता है क्या, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चाहे आप इसको डबल क्रैंक बोलो या आप इसको क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म बोलो। डबल क्रैंक बोलने का मतलब है क्रैंक दो बार आएगा, तो उसको इसी तरीके से हम क्रैंक क्रैंक दो बार बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी मैकेनिज्म हो गई। तो ग्रेसॉफ ने क्या बताया, ग्रेसॉफ ने ये बताया कि अगर पहली केस को मैं ले लूं, इनइक्वालिटी वाली केस को, सबसे पहले देखिए आपको यह देखना है कि क्या आपका ग्रेसॉफ लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ग्रेसॉफ लॉ फॉलो होने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा क्या s प्लस एल इज लेस देन और इक्वल टू p प्लस क्यू, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर आप आगे की बात करोगे, ठीक है। अगर s प्लस एल इज लेस देन और इक्वल टू p प्लस क्यू, तब आप इसके आगे की बात करोगे कि अब आपको डबल क्रैंक मिलने वाला है या क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाली है या डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाला है,
आप इन तीनों की बात तभी करोगे, आप सबसे पहले यह चेक करोगे कि क्या हमारी ग्रासॉफ लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं। और इसको चेक करने का तरीका क्या है ग्रासॉफ लॉ को, आप क्या करो, सबसे छोटी वाली लिंक को पकड़ो, सबसे बड़ी वाली लिंक को पकड़ो, उन दोनों को जोड़ो, देखो क्या उनका योग, उनका सम, उनका जोड़ बाकी दोनों लिंक के बराबर है या उससे कम आ रहा है कि नहीं। तब हम इन बाकी तीनों केसेस की बात करेंगे। अगर फॉलो हो रहा है तो मैंने मान लिया कि लेट्स टेक द फर्स्ट केस, मैंने लेस देन वाली केस ले ली जिसमें ग्रासॉफ लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, अगर ग्रासॉफ लॉ फॉलो हो रहा है तब हम बात करेंगे कि क्या ये डबल क्रैंक देगा, क्रैंक रॉकर देगा या रॉकर रॉकर देगा। ठीक है, तो डबल क्रैंक मिलने का तरीका क्या है, ग्रासॉफ लॉ फॉलो हो गया, अब उसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको अगर हम फिक्स कर देंगे, मतलब हमने फिक्स किसको किया, जो सबसे छोटी लिंक थी, तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म या आप बोल दो क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, सेकंड केस, एस को एक बार हमने फिक्स कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको फिक्स लिंक के बगल में लगा रहे हैं। तो जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको अगर हम फिक्स वाले के बगल में लगाएंगे तो दो चीजें बन सकती हैं, या तो क्रैंक बन सकता है या तो लीवर बन सकता है। अगर आपको फिगर याद आ रहा हो तो, अगर आपको फिगर याद आ रहा हो फोर बार चेन का, तो मैंने फोर बार चेन का फिगर कुछ इस तरीके से बनाया था। अब मान लीजिए आपको शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स वाले के बगल में लगाना है, तो फिक्स ये है, इसके बगल में ये वाली लिंक हो सकती है या इसके बगल में ये वाली लिंक हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर आप चाहे इसको शॉर्टेस्ट बना दो, चाहे इसको शॉर्टेस्ट बना दो, लेकिन वो फिक्स वाले के जस्ट एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल में, जैसे पड़ोसी होते हैं जस्ट बिल्कुल बगल वाला पड़ोसी। तो अगर शॉर्टेस्ट क्या है, फिक्स वाले का पड़ोसी बन गया, बिल्कुल जस्ट बगल वाला, तो इस वाले केस में हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। यहां लिखा हुआ है मैंने क्या, क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म। मतलब क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का यह मतलब हुआ कि हमारे पास जो दो लिंक होगी, चार लिंक में दो लिंक में एक लिंक पूरा 360 डिग्री घूम रही होगी और दूसरी लिंक बस फ्लक्चुएट कर रही होगी, वो पूरा 360 डिग्री नहीं घूम पाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? और तीसरी केस ये आती है इफ एस इज अ कपलर। अब हमने क्या किया, इफ एस इज अ कपलर, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार अगर एस जो सबसे छोटी वाली लिंक है उसको कपलर बना रहे हैं। कपलर कौन सी लिंक होती है, फिक्स के अपोजिट वाले साइड में, तो ये हो गई हमारी फिक्स लिंक, और इसके अपोजिट साइड में कौन सी लिंक दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लिंक, तो दिस इज आवर कपलर, तो दिस इज आवर कपलर। और इसको अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक बना देता हूं, इस वाले केस में हमें जो मैकेनिज्म मिलेगी उसका नाम क्या होगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म, या उसको हम क्या बोलेंगे, रॉकर रॉकर। क्लियर पॉइंट? तो ये जो तीन केसेस हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इन तीन केस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं, बाकी फिर हम फर्दर इसको समझते हैं, देखते हैं क्या है ये। अब देखिए, एक तो हमने बात की किसकी, पहले ग्रासॉफ ने दो कंडीशन बताई, क्या बताई, एस प्लस एल, या तो लेस देन हो या इक्वल हो किससे, पी प्लस क्यू से। ठीक है, तो मैंने पहले वाली कंडीशन ले ली, कौन सी, हमने लेस देन वाली कंडीशन मानी, लेस एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू। अब हम इक्वल वाली साइन लेके काम करेंगे, ये इक्वल वाली साइन, अब हम इक्वल वाली साइन लेके काम करने वाले हैं। तो अगर हम इक्वल वाली साइन लेंगे तो देखिए उसमें क्या होगा, इक्वल वाली साइन में
देखिए इक्वल वाली साइन में, इक्वल वाली साइन में क्या हो जाएगा, एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल वाली साइन में बराबर हो गया एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। अब इसकी भी दो कंडीशन आ जाएगी, सबसे पहले ये बताइए क्या ये ग्रेसॉफ लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, तो यहां पे लिखा हुआ है फॉलोज द ग्रेसॉफ लॉ, ठीक है, और एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्या इसमें भी ग्रेसॉफ लॉ फॉलो होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ग्रेसॉफ लॉ फॉलो, ठीक है। अब इन दोनों में दो तरीके की केस आएगी, मैं वो आपको बता रहा हूं कैसे, इसमें दो तरीके की केस आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए s प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है, s प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, आप इन चारों का मतलब जान रहे हो, s सबसे छोटी वाली लिंक, l सबसे बड़ी वाली लिंक, p और q बाकी की बच गई जो दो लिंक वो हैं। अब नॉट हैविंग, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है, नॉट हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक, क्या आपको यहां पे लिंक का इक्वल पेयर दिखाई दे रहा है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि दो लिंक की लेंथ सेम हो गई, नहीं। लेकिन फिर भी इसमें अगर आप एस प्लस एल की वैल्यू निकालो, इसमें अगर आप एस प्लस एल की वैल्यू निकालो तो एस कितना है, सबसे छोटी लॉन्ग लिंक कौन सी दिखाई दे रही है, टू, सबसे बड़ी लिंक कौन सी दिखाई दे रही है, फाइव, उसकी लेंथ कितनी है, पांच, पांच आप सेंटीमीटर मान लो, एमएम मान लो, कुछ भी सेंटीमीटर मान लो, तो एस प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो प्लस पांच बराबर सात, बाकी की जो दो लिंक बच गई उनका समीशन भी कितना आ रहा है, सात, चार प्लस तीन बराबर सात। तो कह रहा है कि जब हम एस प्लस एल बराबर पी प्लस क्यू लगाएंगे तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके की कंडीशन होगी, ऐसी कि हमारे पास लिंक का पेयर सेम ही नहीं है, और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें लिंक का पेयर सेम है। जैसे अगली वाली कंडीशन को देखो आप, s प्लस एल बराबर पी प्लस क्यू हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक, देखिए यहां पे जो पेयर ऑफ आपको लिंक दिखाई दे रहा है वो सेम है इस बार, मतलब दो लिंक ऐसी है जिसकी लेंथ सेम है, दो सेंटीमीटर, और दो लिंक ऐसी है जिसकी इक्वल लेंथ है, सेम है, पेयर है, तीन सेंटीमीटर। यहां पर भी देखिए क्या ग्रेसॉफ लॉ फॉलो हो रहा है, लगाइए सबसे छोटी लिंक की लेंथ बताइए दो है, सबसे बड़ी लिंक की लेंथ कितनी है, तीन है, कितना हो गया ये, पांच के बराबर, मान लीजिए हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो बाकी की जो दोनों लिंक बच गई दो प्लस तीन, उनका सम भी कितना आ रहा है, उनका सम भी दो प्लस तीन बराबर पांच आ रहा है। तो देखिए ग्रेसॉफ लॉ यहां पर भी फॉलो हो रहा है, ग्रेसॉफ लॉ यहां पर भी फॉलो हो रहा है, लेकिन चेंज क्या है, पेयर ऑफ लिंक में, हमने जो पेयरिंग की हुई है लिंक की उसमें डिफरेंस आ रहा है, एक में बराबर है एक में बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब बराबर हो जाएगा, मतलब लिंक ऑफ पेयर बराबर हो जाएगा, उसको हम नाम क्या देंगे, पैरेललोग्राम लिंकेज, उसको हम नाम क्या देंगे, पैरेललोग्राम लिंकेज। ये कैसे बनेगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज एस, दिस इज एल, दिस इज एस, दिस इज एल, ठीक है, दिस इज एस, दिस इज एल, क्योंकि यहां पे सेम पेयर है ना, दो लिंक छोटी छोटी ऐसे हैं जिसमें दोनों लिंक की लेंथ सेम है, और बड़ी वाली लिंक ऐसी है जिसमें दोनों की लेंथ सेम है, तो इसको भी अगर मैंने एल लिया तो इसको भी एल लेना पड़ेगा, इसको अगर मैंने एस लिया तो इसको भी एस लेना पड़ेगा, तो आपको एक पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, समांतर चतुर्भुज जैसा, आपको एक समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं दिखाई दे रहा, पैरेललोग्राम जैसा, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पैरेललोग्राम लिंकेज, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम लिंकेज का यूज हम कहां करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, कपलिंग रॉड में हम करते हैं, कहां पर, कपलिंग रॉड में, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम लिंकेज की एक खासियत होती है जो एग्जाम में आती है, आपको बिल्कुल दिमाग में खून में घुसा लेना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम लिंकेज, ये वाली जो मैंने कंडीशन बनाई है फॉर दिस केस, फॉर दिस पैरेललोग्राम लिंकेज, वी विल ऑलवेज गेट व्हाट, वी विल ऑलवेज गेट, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें हमेशा कैसे टाइप की मैकेनिज्म मिलेगी, हमें मिलेगी डबल क्रैंक मैकेनिज्म, कब, चाहे आप एस को फिक्स करो चाहे एल को फिक्स करो,
इन दिस पैरेललोग्राम लिंकेज, ये हमारी कैसी लिंकेज है, ये हमारी पैरेललोग्राम लिंकेज। इन दिस पैरेललोग्राम लिंकेज अगर आप एस को फिक्स करोगे या एल को फिक्स करोगे, चाहे किसी को भी आप फिक्स करो, दोनों ही कंडीशन में हमें कैसे मिलेगी, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी। ये पॉइंट आपको क्लियर है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लिंकेज में व्हेन द पेयर ऑफ लिंक्स आर सेम, जब लिंक का जो लेंथ है पेयरिंग में सेम है, तो चाहे आप एस को फिक्स करो चाहे आप एल को फिक्स करो, इन दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगी, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी। मतलब दोनों ही लिंक क्या होगी, कंप्लीट रोटेशन कर रही होगी, ये वाली लिंक भी कंप्लीट रोटेशन कर रही होगी, ये वाली लिंक भी कंप्लीट रोटेशन कर रही होगी। मतलब दोनों ही हमारे कैसे होंगे, दोनों ही हमारे होंगे डबल क्रैंक। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी एक और लिंक आती है जिसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड लिंकेज। अब ये डेल्टॉइड लिंकेज हमें कब मिलती है, इसका एक और नाम भी होता है, इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं काइट लिंकेज। डेल्टॉइड लिंक का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं काइट लिंकेज। ठीक है, डेल्टॉइड लिंक का एक और नाम होता है काइट लिंकेज, मतलब जिसमें हम असमान लेंथ वाली लिंक को जोड़े, जिसमें जब हम असमान लेंथ वाली लिंक को थोड़ा दूर दूर जोड़े। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आएगा, अगर आपको ये आपने ये चीज बना ली हो, ये चीज आपकी कॉपी में होना चाहिए, पैरेललोग्राम लिंकेज, आपने पैरेललोग्राम लिंकेज बनाया यहां पे, दिस इज अ पॉइंट पिन जॉइंट, उसमें चाहे आप एस को फिक्स करो या एल को फिक्स करो, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी। कॉपी में बनाइए, आगे फिर हम पढ़ते हैं डेल्टॉइड या काइट लिंकेज। देखिए डेल्टॉइड या काइट लिंकेज क्या होता है, अभी जैसे हमने पैरेललोग्राम लिंकेज पढ़ा, पैरेललोग्राम लिंकेज कैसा पढ़ा हमने, यहां पर एस है, यहां पर एस है, यहां पर एल है, यहां पर एल है। अब जब मैं सेम लेंथ वाली लिंक को पास पास ले आऊं, मतलब इस एस और इस एस को आपस में जोड़ दूं और एल को साथ में जोड़ दूं, मतलब जो समान जाति वाले लोग हैं उनको एक जगह पे ले आऊं, एस और एस को एक साथ जोड़ दूं, एल और एल को एक साथ जोड़ दूं, तो कैसी शेप बनेगी, देखिए डेल्टॉइड लिंकेज में ये मैंने एस को बनाया और इस एस के साथ इस वाली एस को जोड़ना है, दूसरी जो शॉर्टेस्ट है। अब इन दोनों के साथ ये एल को जोड़ा, ये मैंने एल को जोड़ा, तो ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, इनको मैंने पिन ज्वाइंट से जोड़ रखा है, इनको यहां पर मैंने पिन ज्वाइंट से जोड़ रखा है। ठीक है, तो इस डेल्टॉइड लिंकेज का नाम काइट लिंकेज क्यों पड़ा, आपको कुछ यहां पे पतंग जैसी शेप दिखाई दे रही है, अगर आप इसकी शेप को देखो, मैंने जो एस और एस को जोड़ा हुआ है, तो ये शेप आपको कुछ काइट की तरीके से दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम काइट लिंकेज भी बोलते हैं, चाहे आप डेल्टॉइड लिंकेज बोलो या काइट लिंकेज बोलो, दोनों ही सेम बात है। ठीक है, तो यहां पे हमने दो कंडीशन पढ़ी है, कौन कौन सी, यहां पे हमने दो कंडीशन पढ़ी है कौन कौन सी, एक तो पैरेललोग्राम लिंकेज और जस्ट इसके पहले वाली कंडीशन जहां पर एस प्लस एल क्या था, एस प्लस एल वॉज लेस देन पी प्लस क्यू। उसके बाद हमने यहां पे पैरेललोग्राम पढ़ा, पैरेललोग्राम में भी दो केस पढ़ा कि जब समान तरीके के पेयर हो, इक्वल पेयर हो, और जब इक्वल पेयर ना हो, नॉट हैविंग इक्वल पेयर और जब हैविंग इक्वल पेयर। ठीक है, और इस पैरेललोग्राम लिंकेज में भी हमने क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम लिंकेज में चाहे एस को फिक्स करो चाहे एल को फिक्स करो, हमेशा डबल क्रैंक मिलेगा। और डेल्टॉइड लिंकेज का एक और क्या नाम है, काइट लिंकेज। ठीक है, अब आपका यहां पे एक प्रश्न होना चाहिए कि सर आपने ये बताया कि S प्लस L, कि S प्लस L अगर लेस देन है या इक्वल है P प्लस Q, तब तो सर हमारी ग्रासॉफ्स लॉ फॉलो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा,
एस प्लस एल इफ ग्रेटर देन पी प्लस क्यू, तो उस वाली केस में हमारा ग्रेसोफ लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। हमारा जो ग्रेसोफ लॉ है क्या होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सेटिस्फाई नहीं होगा तो मतलब हमें क्या मैकेनिज्म नहीं मिलेगी, हमें जो मैकेनिज्म मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डबल रॉकर मैकेनिज्म। आंख बंद करके मार दीजिए, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले देखना है क्या ग्रेसोफ लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, एस प्लस एल इज लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू, देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्रेसोफ लॉ फॉलो हो रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं हो रहा है। अगर एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू और इक्वल टू पी प्लस क्यू, तब आप बाकी की कंडीशन को देखोगे। और अगर एस प्लस एल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, पी प्लस क्यू से, तो हमारा ग्रेसोफ लॉ फॉलो नहीं होगा। और इस कंडीशन में हमें ऑलवेज कैसा मिलेगा, आंख बंद करके मार दीजिएगा, कभी भी आपको दिखाई दे ऑलवेज कैसा मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म। अगर ग्रेसोफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ये वाली कंडीशन आपको मिली, तो हमेशा कैसी मैकेनिज्म मिलेगी, इसमें चेक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमेशा कैसी मैकेनिज्म होगी, डबल रॉकर मैकेनिज्म। पॉइंट क्लियर है? सो इन दिस केस थ्री दैट कैन नॉट बी अचीव इवन सिंगल क्रैंक बाय एनीवे, कह रहा है इस केस में हमें एक भी क्रैंक नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है अगर डबल रॉकर मैकेनिज्म है तो डबल रॉकर मैकेनिज्म में दोनों ही कैसा होगा, रॉकर होगा, और एक भी लिंक हमारी क्रैंक नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा है ग्रेसोफ लॉ के बारे में, ठीक है। आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्लियर करेंगे। तो ये ग्रेसोफ लॉ विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप पढ़िए, समझिए, जहां पे डाउट है उसको क्लियर करिए, या मैं हूं आप बाद में पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इस स्लाइड में इतना ही, बाकी थैंक यू।